मीडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सरदार बलजीत सिंह ने भी जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री को थैंक्स लेटर दिया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के हित के लिए सरकार द्वारा मानी गई मांगों के लिए धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कुछ बकाया पड़ी मांगों को पूरे करने के लिए भी बोला, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो मांगे माने जाने वाली हैं वो जल्द पूरी कर दी जाएंगी। गांव मोजदिन में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा यह भी सुना। ईमानदारी से मिली क्या नहीं? अगर इस ईमानदारी से नौकरी मिली है तो इस मिशन मेरिट को आप पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं? इसी प्रकार हम लोग आपकी ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे। वो जमाना चला गया जब छोटे छोटे काम के लिए कहीं तहसीलदार से साइन कराने हैं तो डीसी से कराने हैं, आपके पास ये जो सफेद कुर्ते पजामे पहन करके मांड लगा के बिचौली और दलाल आ जाते थे, 1000 रुपया 2000 रुपया 5000 रुपया ऐंठते थे, हमने इनके सबके कुर्ते पजामे भाई बहनों खुट्टी पर टंगवा दिए हैं। या किसी भी साइबर कैफे पर जाकर एक एप्लीकेशन डालनी है, आपने फॉर्म भरना है, घर बैठे आपको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो भाइयों बहनों, ये साफ सुथरी सरकार हमने चलाई है। ये वो जमाना चला गया जब अपराध भी जो है कुर्सी वालों के छत्र छाया के नीचे पनपता था, थानों से आपके ऊपर राज किया जाता था। अब वो जमाना नहीं है भाइयों, अब ये आपका राज है, आपके लिए है, आपके द्वारा चलाया जाएगा। इसलिए आप यदि हमारे 5 साल के कार्यकाल काम से खुश है, आप खुश है कि नहीं?